दोस्तों ये है स्टेट हाईवे 74 चुनार घाट टू कछवा। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बनाने लग रहा हूँ, तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये जो सड़क है इस पे देखिए ये घास। लोग बोलते हैं कि सरकारी कंपनी काम नहीं करती है, बोल बोल के प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिया जाने लगा और अब प्राइवेट कंपनियों की हालत देखिए। ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट कंपनी वाले इस रोड पर काम किए हैं वो इस झाड़ियों में घुस नहीं सकते हैं, और हम लोगों को देखिए हम लोगों की हालत ये हो गई है। आप लोग बोलेंगे यार कुछ भी वीडियो बना के डाल देते हो, तो जिसकी जिम्मेदारी है ये सब दिखाना वो तो दिखा ही नहीं रहा है। ये मैं दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ। अब आप देखिए इसका एडवांटेज इस तरीके से हो सकता है, एक गाड़ी जाएगी एक गाड़ी आएगी, दो लेन है ये। अब जो साइकिल से है या पैदल है वो साइड कहाँ होगा। एडवांटेज ये है कि इसी झाड़ी में घुस जाएगा और ये गद्दे का काम करेगा, चोट भी नहीं आएगा। देख रहे हैं ना आप लोग, ये देखिए लकीर। और सोचिए इसी रास्ते से हम लोग आ जा रहे हैं, हम ही लोग आ जाए नहीं रहे हैं, वो सभी लोग आ जा रहे हैं जो ठेकेदार हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। ये देखिए ये लकीर आपको दिख रही है। अब सोचिए क्या भांग धतूरा हम सभी लोगों ने खा रखा है, ये किसकी जिम्मेदारी है दिखाना। क्या ये सड़क के रोड की पटरी की सफाई नहीं होनी चाहिए। आप लोग भले देख के हंसेंगे इस वीडियो को, लेकिन कल इसका शिकार आप भी हो सकते हैं। देख रहे हैं ना सड़क पे कितना आगे बढ़ के आ गया है, और हम लोग सबको या जो भी वीडियो को देखेगा या देख रहा है क्या सामाजिक पाठ पढ़ाते हैं, ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, और ये हम लोगों के नज़रों के सामने है। देख रहे हैं ना, देखिए दोनों साइड जंगल लगा हुआ है, कोई गाड़ी आ रही है जा रही है, अगर बगल हटना हो किसी को साइड होना हो तो कहाँ जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हैं किसी में कूद जाएगा और चोट भी नहीं लगेगी, डनलप का काम करेगा, गद्दे का काम करेगा, इसका ये एडवांटेज है। गजब गजब, मतलब ये है स्टेट हाईवे 74। तो भाइयों मैं कई दिन से इसको निगलेक्ट कर रहा था, मैं सोचा इसको बना डालूं। आप लोग कुछ मेरा शेयर करिए चाहे मत करिए, इसको दबा के आप लोग शेयर करिए, कमेंट करिए, जिसको पता हो कि कौन सी कंपनी ने टेंडर ले रखा था, प्राइवेट के अंतर्गत में है कि सरकारी में, ताकि इन पटरियों की साफ सफाई हो, पैदल चलने वालों साइकिल से चलने वालों के लिए आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो, नहीं तो कल साइड होने के चक्कर में इसमें आप भी घुस सकते हैं, हम भी घुस सकते हैं, कोई भी घुस सकता है। आप वीडियो पर चाहे जितना चाहे हंस सकते हैं, लेकिन इसको शेयर हो सके तो ज़रूर करें दबा के। जो भी पूर्वांचल के लोग हैं स्टेट हाईवे 74 पे आ जा रहे होंगे और उनको ये पता है मेड़िया घाट या चुनार घाट टू कछवा रोड जो गई है, मैं उस रोड की बता रहा हूँ और पता नहीं कितने रोडों की ये कंडीशन है। ये देखिए दोनों तरफ सड़क, देखिए कहाँ पे है, ये देखिए देख रहे हैं ना, अब ये देखिए सिंबल जो होता है सड़क मार्ग सूचक, वो तो झाड़ियों में कहीं खो गया है। ये देखिए दोनों तरफ रोड पे जंगल लगा है, सभी बुद्धिजीवी लोग इसी रोड से आ रहे हैं जा रहे हैं, सब आला ऊंचे से ले ऊपर से लेके नीचे तक। अब इसी से सबकी मेंटालिटी समझिए, जब कोई इसमें घुसेगा
तो उसको समझ में आएगा, इसका शिकार कोई भी हो सकता है। दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो पे हंस सकते हो, ये क्या बना रहे हो, बिल्कुल हंस सकते हो आप। देखिए टर्न है, किसी भी सिंबल का कुछ भी अता पता नहीं है, और इन्हीं झाड़ियों में से रोज सियार निकलेंगे, आप उसे टकराएंगे, जब आपकी हड्डी गुड्डी टूटेगी तब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। पता ही नहीं चलेगा कि खेत कौन क्रॉस किया, कब क्रॉस किया, क्योंकि दोनों तरफ देख रहे हैं रोड पे कितनी झाड़ियां लगी हैं, वो भी सड़क पे आ गई हैं एकदम, भाई साहब सड़क पे। देखिए दोस्तों स्टेट हाईवे 74, इन सिंबलों का झाड़ियां कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, देख रहे हैं। हम लोगों के दिमाग पे कितना मोटा परत चढ़ा हुआ है, देखिए। मतलब ही एकदम अमेजिंग लगता है, गजबा लगता है भाइयों। ये देखिए बाहरों के जलवा में रोड पे झाड़ियों का जलवा, ये टर्न है, अब देखिए रोड पे कितने झाड़ियां लगी हैं। दो गाड़ी अगर आ गई तो पैदल चलने वाला कहाँ जाएगा, ऐसी झाड़ियों में कूदेगा या बाइक लेके घुस जाएगा। देखिए ये देख रहे हैं, देखिए रोड पे कितना चढ़ा हुआ है, और इसी पे सब लोग आ जा रहे हैं, किसी से कुछ मतलब नहीं, सिर्फ अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, और जिसकी जिम्मेदारी है वो तो दिखा नहीं रहा है, वो लोग तो कुछ और ही दिखाने में लगे हैं। ये देखिए बस जहां से जितना लूटता बने लूटो। देखिए दोस्तों ये मैं कंटेंट के लिए नहीं बना रहा हूँ, हम सभी के लिए बना रहा हूँ जो भी इस रोड से आ जा रहा है। देखिए दूर दूर तक कितना रोड पे झाड़ी झंखाड़ी आ गया है, झाड़ झंखाड़ देख लीजिए। आप लोग सोचेंगे कि मैं कंटेंट के लिए बना रहा हूँ, देखिए ये रोड कहाँ है, ये देख रहे हैं, अभी देखिए झाड़ झंखाड़ कहाँ पर है, देखिए यहाँ से मिलाइए मिलाइए, बहुत सब लोग मिलाते हैं, आप लोग देखिए मूवी का देखते हैं कि यहाँ पे सीन ऐसे है, वहाँ पे सीन ऐसे है। ये भी सीन देखिए कि कभी हम लोग घुसेंगे इसमें झाड़ी में तो कैसे घुसेंगे।